हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके ईटूई क्लासेस में। तो आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो उससे पहले आप जो जो गलतियां ना करो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। और आज हम लोग इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम में जो हम लोग को आंसर बुकलेट मिलने वाले हैं उसके फ्रंट पेज पर हम लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो अब इसको हम लोग फिल कैसे करें ताकि हम लोग को कोई भी गलतियों का सामना ना करना पड़े, और अगर गलती हो जाता है तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग गलती ना करो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। हम इसमें एक एक चीज़ आपको करके दिखाएंगे कैसे कहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऊपर में लिखा है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट कोड, फिर डेट, डे ऑफ द एग्जामिनेशन एंड देन मीडियन ऑफ द Answering the paper। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सब्जेक्ट मतलब आपको जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्ज़ाम होगा, अगर SST है तो आप यहाँ SST लिखो, अगर मैथ है तो मैथ लिखो, या फिर अगर आपको साइंस है तो साइंस लिखो। तो यहाँ ऊपर में सब्जेक्ट में याद रखिएगा सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मान लेते मैथ का एग्ज़ाम है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैथ लिख दिया, मैथमेटिक्स भी लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में, सब्जेक्ट कोड। आपके एडमिट कार्ड में हर एक सब्जेक्ट के कोड लिखे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट के कोड को यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ पे क्या है, डेट एंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन। आप किस दिन आए हो एग्जाम देने, मंडे है, ट्यूजडे है, वेडनेसडे है, और आप उस दिन का डेट क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लेते मंडे है तो यहाँ पे आपने लिखा मंडे, और फिर यहाँ पे आपने डेट लिख दिया, ठीक है। अब जितने भी डेट को आपको एग्जाम है कुछ इस तरह से 21, 2 और 24 आपने इस तरह से डेट लिख दिया। अब मीडियन ऑफ द आंसरिंग द पेपर, मीडियम लिखना है आपको, अगर हिंदी का एग्जाम है तो खाली उसमें हिंदी मीडियम आपको लिखना है, बाकी सब में आपको इंग्लिश लिखना है। और याद रखिएगा अगर आपका SST हिंदी में है तो हिंदी लिखिएगा, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिखिएगा, क्योंकि SST कुछ लोगों का हिंदी होता है और कुछ लोगों का इंग्लिश होता है। वैसे ये सारी बातें आपको इन्विजिलेटर तो बताएंगे ही, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए मेरा वीडियो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कोड नंबर लिखा हुआ, अब ये कोड नंबर किसका लिखना है, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें कोड नंबर लिखा रहेगा, और उस क्वेश्चन पेपर कौन सा सेट का है वो आपको उस क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहेगा जो आपको मिलने वाला है। तो अगर क्वेश्चन पेपर का सेट 3 है तो यहाँ आप 3 पे राउंड करोगे, और जो भी कोड लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे वो यहाँ पे लिखोगे। इसका मतलब है ये आपको कहाँ से करना है, क्वेश्चन पेपर से करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ सप्लीमेंट। अगर आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, मतलब जो आपको आंसर बुकलेट मिलता है उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हो तो यहाँ पे आपको उस सप्लीमेंट का नंबर लेना, आपने कितना यूज किया है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे क्या है, ये अगर आप यस करते हो तो ये उनके लिए है, अगर आप नो करते हो तो आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, बस। अब यहाँ पे आप छोड़ दो, आपको अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सीधा आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, देखिए कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, आपका जो भी नाम है वहाँ पे ये कैपिटल लेटर में लिखोगे। जैसे मेरा नाम निहाल है तो हम यहाँ पर निहाल लिखते हैं, NEHAL, निहाल लिख दिया, और फिर यहाँ पर जो भी मेरा टाइटल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको देखना एन कहाँ है, तो ये तो आपको फिल करने आता ही होगा, तो ध्यान से करिएगा, हल्का सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि वाइटनर यूज़ नहीं कर किया जाता है। अगर आपका गलती होता है तो वहाँ पे आपको यूज़ करवा दिया जाएगा, लेकिन आप अपने से कोशिश करो कि ना ही गलती हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रोल नंबर, ये भी आपको एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड, सेंटर कोड, सब आपको एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा, तो आप एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें, एडमिट कार्ड ज़रूर से लेके जाए, और अगर एडमिट कार्ड आप भूल जाते हो तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा। तो सब भूल जाना, एडमिट कार्ड मत भूलना बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, सेम जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे सब कैपिटल ही लेटर में लिखो, मैथमेटिक्स, ताकि अगर कुछ दिक्कत ना हो। अब यहाँ बोला स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड पर आपका स्कूल नंबर भी होगा, समझ में आया। स्कूल नंबर, सब्जेक्ट कोड जो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, सेंटर कोड, और आपको रोल नंबर, ये सब आपको एडमिट कार्ड को, बच्चों एडमिट कार्ड पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल नंबर वर्ड में लिखना है ना, यहाँ पे आपको वर्ड में रोल नंबर लिखना है, जैसे 7 लाख
77,771 इस तरह से आपको वर्ड में लिखना है। पेरेंट्स गार्जियंस के नाम लिखने, यहाँ पे फादर है तो फादर के नाम, अगर फादर नहीं है तो कोई और पेरेंट्स है जैसे मदर हो गई तो वहाँ पे उनका नाम लिख लेना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना, और याद रखिएगा सिग्नेचर आप पूरा नाम करके करें, ठीक है। आपका जो नाम है ना वो पूरा लिख के आप यहाँ, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है बच्चों। देखो अब इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई है, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। हम लोग को ये जो फ्रंट पेज होता है आंसर बुकलेट का, जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग इस तरह से फिल करना है और गलती नहीं करना है। ये वाला जो भी चीज़ है आपको क्वेश्चन पेपर पे होगा, आप क्वेश्चन पेपर पे देखो और यहाँ पे उसको फिल कर सकते हो। और ये सब आपने अपने एडमिट कार्ड को देखते हुए फिल करना है, एडमिट कार्ड पे नज़र अच्छे से रखिएगा ताकि आपका गलती ना हो। तो फाइनली हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग इसको कैसे फिल करें। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, अब उस क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको कॉपी पे कैसे लिखना है ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे, और अगर काटने का ज़रूरत भी है उसको तो वो चीज़ देख के वो छोड़ दे। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक है, आप वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है एग्जाम के नज़रिए से वो सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।